हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आपको यहाँ पर एक 10th क्लास का इमेज डायग्राम फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको सिखाने आया हूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले इमेज डायग्राम आप लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चे, आज हम लोग जो इमेज डायग्राम बना रहे हैं वो किसके बेस पर बना रहे हैं? कॉनकेव मिरर के बेस पर बना रहे हैं। जो बच्चों किस तरीके का होता है, इस तरीके का मिरर होता है जिसके आउटर साइड, जिसके बाहर के साइड क्या होती है बच्चों? पॉलिश होती है। तो इस तरीके के मिरर को आप लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पहला डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले डायग्राम का रूल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और उसको कहाँ पे रख देना है? पोल और फोकस के बीच में रख देना है। तो देखो, ये इस तरीके का डायग्राम है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर बच्चों ये आपका पोल होगा, ये आपका बच्चों फोकस होगा और ये आपका इस तरीके का सेंटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, वो इस तरीके से रख देना है। ये क्या है आपके पास? एक ऑब्जेक्ट। अब प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचेंगे जो इस लाइन के पैरेलल होगी। इस लाइन को आप लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो देखो, ये लाइन ऑब्जेक्ट से गई है और टकराएगी, और टकराने के बाद ये आप लोगों की लाइन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन आपको क्या करनी है बच्चों? सेंटर से चलानी है और जो ऑब्जेक्ट को टच करती हुई इस तरीके से जा रही है और मिरर पे टकरा रही है और टकराने के बाद वापस आएगी। ठीक है, मिरर पे टकराई और टकराने के बाद वापस आई। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, इमेज कब बनेगा? तो इमेज कब बनेगा? जब आप लाइन को इसको पीछे मिलाओगे, क्या ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगी। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, इन लाइन को आगे की ओर प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरीके से। जहाँ पर भी ये टच करती हैं वहाँ पर ही आपकी क्या बन जाएगी? एक इमेज बन जाएगी आई। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों की क्या बन गई? एक इमेज बन गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक इमेज बनानी है। तो जहाँ पर आपको कंडीशन लिखनी है कि वो नेचर कैसा है इमेज का, कहाँ पर इमेज बनी है, पोजीशन क्या होगी। तो देखो, सबसे पहला पोजीशन क्या होगी इसकी? बिहाइंड द मिरर। ठीक है बच्चों, इमेज कहाँ बनी है? मिरर के पीछे बनी है। दूसरा, कैसी बनी है आप लोगों की? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधी, सीधी बनी है बिल्कुल, जैसे ऑब्जेक्ट रखा था वैसे की वैसी सीधी बनी है। तीसरा, कैसी बनी है आप लोगों की? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम क्या बनेगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब बच्चों आपको कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को? फोकस पे रखना है। ठीक है, तो फोकस पे रखने के लिए देखो आप लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे। एक आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पर कॉनकेव मिरर लेंगे इस तरीके का। ये आपने कॉनकेव मिरर ले लिया जहाँ पर पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लोग फोकस पे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप लोग एक लाइन चलाएंगे और ये लाइन टकरा के वापस कहाँ पर आएगी? फोकस पर आएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन बच्चों आप लोगों की सेंटर से जाएगी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद फिर वो मिरर पे जाएगी और मिरर से टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये, तो जब बच्चों आप इनको आगे मिलाओगे, आगे प्रोड्यूस करोगे, तो ये लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, और आप इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइन कट नहीं करेगी। तो जिसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कह देते हैं कि जो इमेज बनेगी वो हम लोगों की कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, कहीं नीचे की ओर बनेगी, कहीं पर ऐसे इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, इन्फिनिटी। तो बच्चों इसका नेचर क्या होगा,
तो बच्चों इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज कहाँ पर बनेगी? एट इन्फिनिटी पर बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज आप लोगों की यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो ये दो रूल आपके पास आ गए जहाँ पर आपको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल फोकस एंड सेंटर, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, फोकस और सेंटर के बीच में रखेंगे। तो बच्चों ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है इस तरीके का, ऐसे ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर एक पोल हो गया, ये एक फोकस हो गया, यहाँ पर एक सेंटर हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया। तो क्या होगा, पहली लाइन ऐसे जाएगी बिल्कुल सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराएगी और फोकस से इस तरीके से वापस आएगी, ठीक है, फोकस से इस तरीके से वापस आएगी। दूसरी लाइन क्या होगी आप लोगों की, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं, आप लोग कर्व में बनाएंगे, है ना। दूसरी लाइन कैसे जाएगी आप लोगों की, सेंटर से जाएगी जो ऑब्जेक्ट को टच करती हुई मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद वापस आएगी और इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन को काट देगी, तो जिसके कारण आप लोगों की इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ पर बनेगी। तो ये क्या बन गई आप लोगों की, इसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो इसका नेचर कैसे होगा, तो बच्चों इसका नेचर कैसा होगा उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा नेचर बच्चों कैसा होगा इसका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के पीछे बन रही है देखो, ठीक है। और कैसी बन रही है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका नेचर हो गया, ये इसकी पोजीशन हो गई। तो तीन डायग्राम आज हमने पढ़ लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ डायग्राम क्या कह रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आता है, इसी के पास आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्वेश्चन होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई एट सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें, सी पर रखना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें, सी पर रखना है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं इस तरीके का, ये आपके पास एक मिरर हो गया इस तरीके का, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे आप लोग सेंटर पर, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी और टच करते मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी, ठीक है बच्चों। दूसरी लाइन आप लोग क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे, मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से आ जाएगी, तो जिसके कारण आप लोगों की इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, सेंटर पे बनेगी। वापस कहाँ बनेगी इमेज, सेंटर पे बनेगी। तो जिसका मतलब क्या है इसका नेचर, ये इमेज कैसी होगी, सेम साइज़ की होगी, कैसी होगी, सेम साइज़ की होगी। उल्टी बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और कहाँ पर बनी है, एट सेंटर पर बनी है, कहाँ पर बनी है बच्चों, सेंटर पर बनी है। तो इस तरीके से आपने चार डायग्राम यहाँ पर सीख लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ डायग्राम क्या बनेगा। फिफ्थ डायग्राम क्या है बच्चों आपके पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड बिटवीन सेंटर
एंड इन्फिनाइट। जो बच्चों ऑब्जेक्ट रखना है वो आपको कहाँ रखना है, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में रखना है। तो देखो ये इस तरीके का डायग्राम कॉनकेव मिरर का है, ऐसे इसके बाहर पॉलिस होगी, यहाँ पर पोल हो जाएगा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ पर रख दिया सी और इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनाइट के बीच में, जिसमें लाइन इस तरीके से पैरेलल चलेगी, टकराएगी और टकराने के बाद लाइन आप लोगों की फोकस से वापस आएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फोकस से लाइन क्या आ गई, वापस आ गई। दूसरी लाइन आपकी क्या होगी, सेंटर से जाएगी और मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद लाइन वापस आएगी। तो जहाँ पर ये दो लाइन कट कर रही है यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। ये ओ बन गया, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गई। तो बच्चों इमेज कैसी बनी है इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। कहाँ पर बनी है, बिटवीन सी और एफ, कहाँ पर बनी है, सी और एफ के बीच में बनी है। और कैसी बनी है बच्चों, स्मॉलर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का फिफ्थ रे डायग्राम हो गया। सिक्स्थ और लास्ट रे डायग्राम क्या है कॉनकेव मिरर का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हम लोगों ने, इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रे डायग्राम बनेगा इसका। तो ये इस तरीके से आपके पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर ये रे डायग्राम में फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक रे चलानी है जो इन्फिनिटी से चलेगी। तो कैसे चलेगी, लाइन आप लोगों की पोल पर टकराएगी और टकराने के बाद लाइट आप लोगों की जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो लाइट ऐसे चली गई, ठीक है, आप लोगों की लाइट ऐसे चली गई। अब क्या होगा बच्चों, दूसरी लाइट आएगी आप लोगों की इस तरीके से, जो यहाँ पर मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, ऐसे वो जाएगी और यहाँ पर कहीं इस तरीके से वो काट देगी। तो इमेज कहाँ पर बनेगी हम लोगों की, फोकस पर बनेगी। इमेज कहाँ पर बनेगी हम लोगों की, फोकस पे बनेगी। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, बहुत ही छोटी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, बहुत छोटी बनी है। और कहाँ पर बनी है, इमेज एट फोकस। तो बच्चों ये इस तरीके के आपके पास 6 रे डायग्राम थे जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए। तो बच्चों आप इसका क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए।